स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वन मोर चैप्टर, द चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। एंड दिस चैप्टर इज बिलोंग टू द ज्योमेट्री पोर्शन एंड देयर आर द 4 थ्योरम्स। वन इज द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम विच आई एम एक्सप्लेन टुडे। दिस इज आल्सो नोन एज द थेल्स थ्योरम। एक्चुअली दिस इज नोन एज द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इट इज नोन बीपीटी और थेल्स थ्योरम, TT. Okay, so the statement is, in a triangle, a line drawn parallel to one side to intersect other side in distinct point divide the two sides in the same ratio. क्या मतलब हुआ इसका? It means अगर एक point से एक parallel line खींच ली जाए, means DE is parallel to the BC. Triangle ABC, DE is parallel to the BC. तो इनके रेशियो इक्वल होंगे, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, व्हाट इज गिवन, वी विल राइट हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, वी विल राइट हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट इज गिवन, DE parallel BC. We will write here DE parallel BC. Clear? This is the first thing. And our wish to prove means to prove. What we want to prove? We want to prove then AD upon DB. AD upon DB. It will be equal to AE upon EC. ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? ये चीज़ हमारी है, बाय द ब्लू कलर पेन आई हैव ड्रॉन दिस एंड बाय द ग्रीन कलर दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। सो वी विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज आवर कंस्ट्रक्शन? आप देखिए ये ब्लॉक बना, इट मीन्स परपेंडिकुलर, डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन, आप देख रहे हैं ई एन ब्लू लाइन्स ग्रीन लाइन्स है, परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। और आपने क्या किया, ज्वाइन बी ई सी डी, ज्वाइन बी ई and CD by the dot. I have joined this and these are the perpendicular. Clear? Now we are going to prove. So it's our proof. Prove it. So first we will take the triangle ADE, जो आपको ऊपर वाला triangle दिखाई दे रहा है, ADE. We will write here in triangle ADE. अगर हम इसका एरिया निकालें तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए डी ई, मीन्स एरिया ए डी ई कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस, बेस मान लेते हैं हम ए डी को, तो ए डी इनटू हाइट इज ई एन, परपेंडिकुलर ट्रायंगल देखिए ए डी ई, बेस ए डी है तो परपेंडिकुलर ई एन। चलिए रहने दीजिए, बेस को हम मान लेते हैं ए ई, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम, बेस अगर ये है तो परपेंडिकुलर डी एम। क्या दोनों एरिया इक्वल होंगे? ऑफ कोर्स बोथ आर द इक्वल, बिकॉज बोथ आर द एरिया ऑफ द ए डी ई, सो दैट इफ ए डी इज बेस देन परपेंडिकुलर ई एन, इफ ए इज बेस देन परपेंडिकुलर डी एम। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ फॉर गेटिंग द सेकेंड इक्वेशन, इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड दैट द ट्राइंगल फॉर्म इन बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन दे आर इक्वल इन एरियाज। क्लियर? अगर आप देखिए डी ई सेम बेस है, अब पैरेलल लाइन कौन सी है, डी ई एंड बी सी, तो एरिया डी बी ई और एरिया ई डी सी
इन दोनों का यानी ग्रीन कलर ये वाला और ये वाला ग्रीन कलर दोनों के एरिया इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज सेम बेस डी ई एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो वी विल राइट हियर एरिया डी ई बी, एरिया डी ई बी विल इक्वल टू द एरिया डी ई बी ई डी सी, ई डी सी। वट आर द रीजन बिहाइंड इट? डी ई इज द सेम बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सो दैट दीज टू एरियाज आर इक्वल। अब एरिया डी ई बी, एरिया डी ई बी इसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है डी बी और हाइट कितनी है? क्योंकि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की हाइट उसके पीछे होती है ई एन। इट्स वैल्यू इज हाफ डी बी इंटू ई एन, दैट इज इक्वल टू एरिया ई डी सी। ई डी सी हाफ ई सी इंटू डी एम, क्योंकि ये हमारा ऑप्ट्यूस है। अगर ये बेस है तो बेस के पीछे इसका परपेंडिकुलर डी एम, हाफ ई सी इंटू डी एम। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन सेकेंड। तो हाफ ए डी ई एन, हाफ ए डी ई एन अपॉन हाफ डी बी ई एन, हाफ डी बी ई एन इट इज़ इक्वल टू हाफ ए ई डी एम, हाफ ए ई डी एम अपॉन हाफ ई सी डी एम, हाफ डी सी ई सी, ई सी इंटू डी एम। हाफ एंड हाफ कैंसिल, डी एम एंड डी एम कैंसिल, अगेन हाफ ई एन, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इट इज द आस्किंग रिजल्ट, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, वी हैव प्रूव्ड दिस। तो दिस इज नोन एज द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और द थेल्स थ्योरम। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।